हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो विज पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट टाटा 4.5X, जो कि एक ऑल न्यू हैचबैक है फ्रॉम टाटा मोटर्स और जिसे टाटा इंडियन मार्केट में इसी साल लॉन्च करने वाला है। तो अगर आप चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशंस भी अनेबल कर लें टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो चलिए जान लेते हैं सारी डिटेल्स अबाउट टाटा 4.5X। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले अगर इसके सीधी टक्कर की बात करें तो इसका सीधा मुकाबला होने वाला है i20, बलेनो एंड होंडा जैज जैसी गाड़ियों से। तो जैसा कि टाटा 4.5X एक प्रीमियम हैचबैक गाड़ी होने वाली है, प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इन सभी गाड़ियों में आपको रियर कंपार्टमेंट काफी स्पेशियस मिलता है अगर आप उसे किसी नॉर्मल हैचबैक गाड़ी से कंपेयर करें तो। इसी के साथ प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों की बूट स्पेस भी काफी बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हैचबैक कार्स, और एट द सेम टाइम प्रीमियमनेस भी काफी ज्यादा मिलती है आपको इन प्रीमियम हैचबैक कार्स में। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्रीमियम हैचबैक गाड़ियां नॉर्मल हैचबैक गाड़ियों से कुछ ज्यादा महंगी भी होती हैं। अब अगर टाटा 4.5X के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस होने वाला है ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 6 to 10 lakh रुपीज। अब ये जो नई गाड़ी आएगी टाटा 4.5X, इसका नाम कुछ और ही होने वाला है। टाटा 4.5X इज जस्ट अ कोड नेम जो टाटा फिलहाल यूज कर रही है गाड़ी को रिप्रेजेंट करने के लिए। कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इट विल बी कॉल्ड एक्विला, बट फाइनली इसका क्या नाम होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता है। अब अगर इसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो टाटा मोटर्स ने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसे टाटा ने अल्फा नाम दिया है, विच इज प्रोनाउंस्ड एज ALFA अल्फा आर, और इसी प्लेटफॉर्म को टाटा यूज करेगी अपनी सभी अफोर्डेबल गाड़ियों को बनाने के लिए। अब टाटा 4.5X के बारे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये इस साल गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो पाएगी। तो आपको बता दूं, टाटा 4.5X को लॉन्च होने में अभी ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने लगेंगे। वहीं अगर प्राइस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कोई भी गेस करना अबाउट प्राइस सही नहीं होगा, बट फिर भी मार्केट को देखते हुए और टाटा की अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को देखते हुए ये आ सकती है बिटवीन 6 to 10 lakh रुपीज। अब अगर इसके लॉन्च की बात करें तो ये लॉन्च हो सकती है समवेयर अराउंड दिवाली। अब अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 1.2 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि नेक्सॉन में आप लोगों ने देखा है, जो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 110 PHP की पावर, और इसी के साथ ये आ सकती है 1.5 लीटर्स के डीजल इंजन के साथ जो कि प्रोड्यूस करेगा ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पावर। अब दोनों ही वेरिएंट्स आएंगे 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और हो सकता है कि आगे चल के इसमें AMT भी इंट्रोड्यूस करे टाटा। अगर फीचर्स की बात करें तो एक्सटीरियर में मिलेगा आपको देखने को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डे टाइम रनिंग LEDs, और एट द सेम टाइम आपको इसमें मिलेंगे 16 इंच के अलॉय व्हील्स, और इसी के साथ आपको LED टेल लैंप्स भी देखने को मिल सकते हैं टाटा 4.5X में। अब अगर इंटीरियर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को भी सपोर्ट करेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और नेविगेशन जैसे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ क्लाइमेट कंट्रोल, 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD और मे बी ये कंप्लीट लेदर ट्रीटमेंट के साथ आएगी। अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो इसमें हो सकता है आपको सनरूफ, 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएं। एक चीज और जो आपको ध्यान में रख के चलना होगा इज दैट कि जो गाड़ी आप लोगों ने ऑटो एक्सपो में देखी है, एक्चुअल में टाटा 4.5X काफी कुछ उससे चेंज होगी और डिजाइन वाइज आपको कई मेजर और माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अगर 4.5X के बारे में कुछ और चीजें जाने तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट नेक्सॉन जितनी होगी जो कि जस्ट अंडर है 4 मीटर्स। इसका बोनट आपको काफी बड़ा मिलेगा, गाड़ी कुछ हद तक आपको लो स्लंग मिलेगी और देखने में काफी स्पोर्टी और कूल भी होगी, और इसी के साथ ये BS6 रेडी होगी। तो दोस्तों, ये था एक क्विक वीडियो अबाउट अपकमिंग टाटा 4.5X, उसकी कुछ लीक्ड डिटेल्स, फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और हमें टाटा 4.5X के बारे में जैसे ही कुछ नया पता चलता है, वी विल मेक श्योर कि आप लोगों को हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू एनेबल द नोटिफिकेशंस एज वेल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching, and at last, drive safe, and until next video, goodbye.